What's up guys, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अंदर गेम वीडियो। सो गाइस, हम रहे थे खेलने जाने जीती है 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो कि सारी गाड़ियां चोरी की थी सारे, वो हमारे नाम हो चुके। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2021 की हमारी सारी कार कलेक्शन। और आज हमें अभी F5 भी वालों ने भी मुझे बुलाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको पहले कार कलेक्शन दिखा दूँ। सो गाइस, अभी हम सीधा चलते हैं आपको कार कलेक्शन दिखाने। सीधा हम उतरते हैं यार ये मेज बैंक के टावर से, सबसे टॉप फ्लोर से सीधा उतरते हैं नीचे और सीधा आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी जो कि होने वाली है बहुत ही कमाल। सो गाइस, सीधा चलते हैं हम गाड़ी नीचे उतारने चलते हैं। सो गाइस, अभी आपको 2021 की बहुत ही अलग गाड़ी दिखाएंगे हम जो कि बहुत ही अलग होने वाली है। सो गाइस, अभी मुझे लेस्टर का फ़ोन आया था। लेस्टर ने मुझे कहा है कि मैं जो, जैसा कि आपने पीछे वीडियो नहीं देखी तो वीडियो पहले जाके देख लीजिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर आपने देखी है तो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूम भी जो है हमने रोबोटिक लेस्टर से बनवाए थे, लेस्टर ने बना लिए थे। और हमने एक बैंक डकैती भी मारनी है। इससे पहले FIB ने वालों ने मुझे बुलाया है, तो FIB वालों को मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहना है। पता नहीं, उन्होंने कहा जल्दी से पहुँचो, लेकिन मैंने कहा पहले आपको कार कलेक्शन दिखाते हुए जाऊँ उधर, क्योंकि FIB वाला का जहाँ पर मेरी कार कलेक्शन पड़ी हुई है वहीं से FIB वाले का पुलिस स्टेशन आता है सिर्फ 1 मिनट के फासले में। इसलिए मैं आपको पहले अपनी दिखाने जा रहा हूँ अपनी कार कलेक्शन 2021 की बहुत ही आला होने वाली कार कलेक्शन। उसमें गोल्ड कार भी होगी जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा। बहुत ही आला कारें होंगी हमारी 2021 मॉडल की, बहुत ही आला होंगी। सीधा हम चलते हैं, मैप में निशान लगाते हैं, सीधा अब हम चलते हैं अपने कार कलेक्शन वाली जगह पर जहाँ में हमने कार कलेक्शन अपने जमा की है। आपने पहले भी वो जगह देखी होगी, इसलिए आपको मैं आज दिखा दूंगा तो आप पहचान जाएंगे वो जगह। फिर सीधा हम चलते हैं भाई साहब आपको 2021 कार कलेक्शन दिखाने जहाँ पे हमने रख करके रखी हुई है। अभी भाई साहब वो बहुत ही अलग हमारी कारें हैं। और FIB वालों का, जैसा कि मैंने वो कहा था, फोन आया था उनका मुझे, उन्होंने कहा था सीधा मेरे FIB पुलिस स्टेशन पहुँचो। मैंने कहा मैं आधे घंटे तक पहुँच जाऊँगा, मैं आधे घंटे तक आपको तो गाड़ी भी दिखा ही लूँगा और साथ उनके ऑफिस में भी पहुँचूंगा। मैंने उनको ये टाइम दे दिया है, उन्होंने कहना जल्दी से पहुँचो, इसलिए मैंने उनको टाइम दे दिया हुआ है। वो भाई साहब मेरा मत्था खराब नहीं, वरना मैंने इसको छोड़ना नहीं था, जो काली गाड़ी वाला मुझे छोक के गया है। तो गाइस, हमारी जो कार कलेक्शन है वो इस साइड, इसके बैक साइड पर ही है। सिर्फ मतलब के सेकंड्स का ही रास्ता रह गया है भाई साहब। अब मैं बोलते हुए सीधा आ जाएगा मेरा कार कलेक्शन सेटअप जहाँ पे अपनी मैंने कार कलेक्शन की है। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, बैनी कभी आके उधर बैठ जाता है, मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं बैनी को बुला ही लेता हूँ भाई साहब। अभी मैं आपको सीधा चलता हूँ अपनी कार कलेक्शन के अंदर। अभी नीचे बेसमेंट पे मैंने इसके बेसमेंट से ही बनाई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इधर एक दो शोरूम भी ऊपर खरीदे हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी कार कलेक्शन इधर रखी हुई है। ये देखें, जैसा कि आपको ये दो गेट नज़र आ रहे हैं, अभी आपको सीधा मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अपनी कार कलेक्शन। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी कार कलेक्शन के अंदर और बहुत ही आराम से गाड़ी रखी हुई है। आपको मैं पहली गाड़ी दिखाता हूँ जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी ज़ेंटोनो, जिससे आप सब तो वाकिफ होंगे ही। बहुत ही आला गाड़ी है, लेकिन हमने इसको बैनी से थोड़ा मॉडिफाई करा करके रखा हुआ है। ब्लू कलर इसका कलर है, इसका पहले कोई और कलर था। साथ ही हमने इसके टायर रिम चेंज करवा दिए हैं, साथ ही ब्लू और वाइट इसके स्ट्रिप डलवा दिए हैं। बहुत ही पावरफुल गाड़ी की मशीन है ये, बहुत ही आला है, बहुत ही स्पीड में चलती है लैम्बोर्गिनी ज़ेंटोनो, जैसा कि आप भी लोग जानते ही होंगे। सो गाइस, अभी मैं आपको अपनी कार कलेक्शन 2021 की अगली कार कलेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ भाई साहब। वो भी बहुत ही अलग कार कलेक्शन में आने वाली है, जो कि लैम्बोर्गिनी टाइप की, मतलब कि लैम्बोर्गिनी जितनी महंगी है लेकिन बहुत ही अलग गाड़ी है। लैम्बोर्गिनी से भी अच्छी गाड़ी है। जब मैंने चलाई थी मेरा इस पर दिल लगा था, इसलिए मैंने इसको तकरीबन लैम्बोर्गिनी सियान की प्राइस में खरीद लिया था। प्लाइट 4 ली थी, बहुत ही अलग गाड़ी है रेड कलर में। सो गाइस, जैसा कि आप इस गाड़ी को तो बिल्कुल जानते होंगे, बहुत ही अलग गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, मतलब फरारी की अगला मॉडल है, मतलब कि ला फरारी का अगला मॉडल है। आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, बैक साइड से उन्होंने वही शक्ल रहने दी है, लेकिन फ्रंट जो है उन्होंने ला फरारी का बहुत ही कमाल का बना दिया है भाई साहब। अब आपको मैं अगली गाड़ी दिखाता हूँ, जो कि एक लैम्बोर्गिनी का एक मुझे बंदा मिला था, मैंने उसके घर से चोरी की थी। बहुत ही आला लैम्बोर्गिनी है, लेकिन थोड़ा सा पुराना मॉडल है, 2016 का मॉडल है। अभी 2020 की जो लैम्बोर्गिनी है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने, एक बंदा जा रहा था उधर ही मैंने चोरी कर ली भाई साहब।
सो गाइस अभी मैं आपको अपनी कार कलेक्शन की अगली गाड़ी दिखाने चलता हूँ। सीधा ये साथ में खड़ी हुई है जो कि इतनी महंगी करके नहीं है, जितने की डिंका जस्टर है वो भी इतने की गाड़ी है जो कि हमने हमारी कार कलेक्शन में हमने डिंका जस्टर की रखी हुई है वो देखें। सो गाइस ये भी बहुत ही आला गाड़ी होने वाली है, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैंने वैसे ही खरीद ली थी अपने शौकिया मारने क्योंकि यार आपको पता है इसकी छत खुली हुई है, हमारे पास कोई भी वो गाड़ी नहीं है जिसकी छत खुली हो, इसलिए मैंने इसको खरीद ही लिया था। सो गाइस ये है डिंका जस्टर, जैसा कि आप इसको भी सभी जानते होंगे बहुत ही आला गाड़ी है, मतलब कि रेसिंग में मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब हमारी रेसिंग में जो लैम्बोर्गिनी सियान ड्राम होती है लैम्बोर्गिनी सियान जो कि ट्रेवर अभी लेके गया हुआ है, हेलन ट्रेवर को भी दी हुई है, थोड़ा उसका काम भी होने वाला था, बनी ठीक कराएगा उसको, बनी ठीक करके फिर मैं आपको अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भी दिखा दूंगा जो कि मैंने मॉडिफाई करके फुल रखी हुई है। सो गाइस ये मेरी अगली गाड़ी है, इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत ही अलग गाड़ी है, मतलब कि इसकी लाइटें जो हैं बहुत ही अलग लाइटें हैं, बैक साइड की आपको शक्ल नज़र आ ही रही होगी, जैसे चीता नहीं होता चीते जैसी फील आती है इस पर, भाई साहब बहुत ही अलग गाड़ी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कार कलेक्शन की अगली गाड़ी जो कि है, ओ भाई साहब कार कलेक्शन की गाड़ी तो ख़त्म ही होगी, मैं तो लैम्बोर्गिनी सेंटो तो दिखाई दी थी भाई साहब आपको। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने अपने मैकेनिक मतलब के बैनी को रखा हुआ है, इधर बैनी को भी चल जाता है अपनी मोटर स्पोर्ट पे क्योंकि आपको पता ही अपना मोटर स्पोर्ट जो है मतलब के माइकल का मोटर स्पोर्ट वहाँ पे होते उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं अपनी कार कलेक्शन वाली जगह में ज़्यादा उसको नहीं रखता। ये देखें भाई साहब यहाँ पे मेरी गाड़ी अगर ख़राब होगी तो ठीक हो जाती है यहाँ पे सीधा एक मिनटों में, ना मैकेनिक लॉस सैंटोस को दिखाना पड़ता है, सीधा बनी आ करके ठीक कर देता है इसको भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा ही काम हो गया है। अब आधा घंटा तो होने वाला है, मुझे FIVO का फोन फिर से फ़ोन पे फ़ोन आ ही जा रहा है, वो कह रहे हैं बार बार मेरे कह रहे हैं पहुँचो मेरे ऑफिस वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर लेंगे, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं लगाते सीधा पहुँचते हैं FIVO वालों के ऑफिस और देखते हैं वो हमारे साथ क्या सीन करते हैं। यार पता नहीं यार उन्होंने हमें क्या कर के कहना है। अभी हम आ चुके हैं सीधा बाहर अभी अपने कार कलेक्शन की जगह से। सो गाइस पता नहीं उन्होंने क्या कहना है FIVO वालों ने, थोड़ी सी दूरी पर सीधा हमने हाईवे पर चढ़ना है और थोड़ा सी आगे आके FIVO का मतलब कि FIVO वालों का ऑफिस आ जाना है भाई साहब, पता ही नहीं उन्होंने क्या कहना है। लेसर कह रहा है कि उसने तुम्हारी कोई मदद चाहिए होगी इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है, अगर लेसर का बात तो सही हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुई तो मुझे कोई खतरा ही लग रहा है भाई साहब। FIVO वाले ऐसे किसी को नहीं अपने ऑफिस बुलाते या खतरे के लिए बुलाते हैं या कोई अच्छा काम करना होता हमारे साथ उन्होंने इसलिए बुलाते हैं, ये दो काम उन्होंने करने ही करने होते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी हम सीधा एक मिनट में पहुंचते हैं यार FIVO वाले के ऑफिस, लेकिन यार ये जो इसको मैं मत्था फोड़ दूंगा, लेकिन ये अपनी तो गाड़ी है नहीं, ये गंदी सी गाड़ी थी, मैं इसका मत्था फोड़ के इसकी गाड़ी ले ली है क्योंकि यार ये जो गंदी सी गाड़ी मैं अभी चला रहा था वो बहुत ही ख़राब गाड़ी थी, इतनी स्लो चल रही थी कि मैंने कभी क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं मैं स्पोर्ट कार और सुपर कार चला चला के उसका शौकीन हो चुका हूँ, इसलिए मैंने वो ये गाड़ी चुन लिया यार, लेकिन ये तो मैंने वैसे ही छोड़ देनी है FIVO वाले के पुलिस स्टेशन पे, वहाँ भी मैंने छोड़ करके आ जानी कि यार मुझे इतना की गाड़ी पसंद नहीं है, वरना ये भी मैं अपनी कार कलेक्शन में डाल लेता, अगर कोई लैम्बोर्गिनी वगैरह मिलती है तो मैं सीधा अपनी कार कलेक्शन में डालता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने एक पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी चोरी की थी, वो भी हमने अपनी कार कलेक्शन में डाली हुई है, लेकिन वो इस टाइम उसका कुछ रिपेयर होने वाला है, मतलब कि इसके इंजन में कोई ख़राबी आई हुई है, वो रिपेयर होने के लिए गई हुई है बैनी के पास। सो गाइस अभी हम सीधा एक मिनट में पहुँचते हैं FIVO के ऑफिस, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी पहुँचो, बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं, पागलों को पता नहीं क्या हो गया है, बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जाने जल्दी पहुंचो। सो गाइस अभी हम सीधा बोलते हैं जी FIVO वालों के ऑफिस, FIVO के जो टॉप कमांडर है ना, मतलब कि आप जानते हैं मतलब कि जैसे FIVO पूरा स्टेशन बनवाया है और FIVO का मालिक जो है मतलब कि FIVO ऑफिसर का मालिक जो है उसने हमें बुलाया है भाई साहब। अभी हम सीधा पहुंचने लगे हैं, सीधा हमने गली से इस साइड पर मुड़ना है और सीधा FIVO का स्टेशन आ ही जाना है भाई साहब। सो गाइस अभी मैं आपको मिलता हूँ मैं सीधा FIVO के स्टेशन के अंदर जाके और देखते हैं यार गाइस मैं आपको सीधा मिलता हूँ FIVO के ऑफिस के अंदर जाके। जैसे कि आप जानते हैं यार FIVO के टॉप फ्लोर पे उन्होंने बुलाए लिया है, पता नहीं क्या ही कहना उन्होंने कहा कि जल्दी से पहुँचो, पता नहीं इतने सारे फ्लोर हैं FIVO वालों के ऑफिस के और कितनी सारी दरवाजे हैं जो कि सारे के सारे बंद, अच्छा गाइस ये तो खुला हुआ है। ओ भाई साहब ये खड़ा है FIVO वालों का बॉस जिसने हमें बुला करके रखा हुआ है। हाँ जी
क्या कहना है, हम इसे थोड़ा बदतमीज से बात करेंगे क्या, इन्होंने हमें बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। ओके ओके ओके। सो गाइस ये मुझे कह रहे हैं कि यार इनको ये मेरे से, जैसा कि लेस्टर ने मुझे कहा था, लेस्टर की बात बिल्कुल ही सही निकली। लेस्टर ने कहा था कि मुझे इनके कोई मदद चाहिए होगी तुमसे, मुझसे गारंटी ले लो। सो गाइस लेस्टर का बिल्कुल सही कहना था, मुझे लग रहा था इन्होंने कुछ फंसवाना है मुझे, लेकिन इन्होंने कुछ फंसवाया नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, इन्होंने मुझे कहा है कि हमारा जो ऑफिस का, मतलब कि FIBO लिखो ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है, वो एक गैंग ने किडनैप कर लिया है। मैं सुन के बहुत खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ, लेकिन यार FIBO वाले बहुत ही तेज होते हैं, उनको कोई किडनैप नहीं कर सकता। तो वो सिविल वर्दी में था, अपनी मतलब कि सिविल वर्दी में बैठा हुआ था, अपने घर में था। उसको सीधा आए गैंगस्टर, इतने सारे गैंगस्टर आए, तकरीबन 500 गैंगस्टर उसको उठा के ले गए, क्योंकि यार आपको पता ही है FIBO के सबसे बड़े अफसर की कितनी मतलब के। सो गाइस इन्होंने मुझे कहा कि तुमसे बहुत बड़ा काम पड़ गया हमें, तो मैंने इनसे पूछ लिया सारा कुछ, इनसे पूछताछ कर ली और सारी जगह इनकी पता करा लिया कि यार कौन से माफिया ने किडनैप किया। आप यकीन, आप तो इंतज़ार कर रहे होंगे जिसका नाम आपने पता करना है, मतलब कि जिस माफिया का आपने पूछ रहे हैं, मतलब कि आप लोगों ने पूछना ही है मुझसे, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि उस माफिया का नाम है ग्रीन गैंग। सो गाइस ग्रीन गैंग वालों ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है और बहुत ही पैरा मारा है, बहुत ही पैरा मार मार के उसको फोटो जे भेज रहे हैं कि यार तुम अपना हमारे अपना ऑफिस हमारे नाम करो, वरना तुम्हें हम तुम्हारे ऑफिसर को मार लेंगे। उनके लिए ये तो बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है, लेकिन कोई कल ही निकल जाएंगे ट्रैवर के साथ और अंडर वाटर माफिया के भाई के साथ उसको बचाने। उनको हमें बचाना ही होगा, अन्य अगर हमने उनको नहीं बचाया तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाले FIBO वाले। उन्होंने कहा कि तुम्हें बचाना ही होगा, जितने पैसे मांग रहे तुम्हें हम देंगे। सो गाइस हम अगली वीडियो में उनको बचा के ही रहेंगे, और अभी हम सीधा चलते अपने घर पे। और ट्रैवर को भी मैंने फ़ोन कर दिया है, ट्रैवर को मैंने सारी बात बता दी कि ये हो चुका है, तुमने कल आना है। ट्रैवर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, अगर हमने उसके ऑफिस को बचा लिया तो हमें कभी किडनैप नहीं करेंगे और मुंह मांगे कीमत भी देंगे। सो भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात हो चुकी है, अभी आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए भाई साहब बाय बाय, टिल देन टेक केयर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेवर ने क्या है कि अगर इन्होंने कहीं हमारे साथ पंगा लिया तो इनके साथ नहीं होगा चंगा। सो गाइस ट्रेवर आपको पता कितना गुस्से वाला बंदा है, ट्रेवर किसी को नहीं छोड़ने वाला। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।